मोहम्मदी क्षेत्र के अमरी घाट पर गोमती सेवा समाज द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कोतवाली निरीक्षक दिलेश कुमार सिंह ने नीम का पेड़ लगाया और ट्री गार्ड भी लगाया गया। गोमती सेवा समाज की टीम ने बताया, अब जितना भी हमारे टीम के लोग वृक्षारोपण करेंगे सभी मित्रगण आवश्यक रूप से लगाया जाएगा। इस मौके पर सत्यपाल मंदिर ओपी मोरिया, समाज सेवी शिवम राठौर, प्रदीप वर्मा, दिनेश महेश सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बेटा क्या नाम है आपका? ईशर स्तूल। अच्छा, गोमती समाज सेवा से आप जुड़ी हैं? यस सर। क्यों जुड़ी हैं आप गोमती सेवा समाज से? क्योंकि अगर जल साफ नहीं होगा तो हम उसको आगे चल के पियेंगे क्या, पानी भी कम पड़ जाएगा और पर्यावरण को भी साफ रखना है तो पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन भी अच्छे से मिले। और पेड़ नहीं होंगे तो पानी कैसे होगा, क्योंकि सारा ऑक्सीजन से ही है। और अगर गंदगी करेंगे तो फिर आगे चल के पानी की भी बहुत दिक्कत होगी। अच्छा बताओ बेटा कि यहाँ पे आप लोगों के सामने लोग गंदगी डाल दिया करते हैं कभी, क्या इसे रोकने के लिए आपने कभी प्रयास किए, लोगों को मना किया है? हाँ, मना तो किया है, पर वो माने तब ना, तो मानते ही नहीं, जितना हो सकता है उतना करते हैं फिर आगे। आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं क्या आपको लगता है आप लोगों को सफलता आगे चल के मिल जाएगी? हाँ जरूर मिलेगी, अगर सब साथ देंगे तो जरूर मिलेगी। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से आप अपनी समाज गोमती समाज सेवा समिति और लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? यही कि पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करें और पानी को साफ रखें, माता बोला है तो उसको। फिर लखीमपुर खीरी से विराग त्रिवेदी की रिपोर्ट।